पीछे 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 ये पीछा 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 रे रे भाई पीछा ना थोड़ा हाँ भाई यार क्या बात कर रहे हो सही में उर्वी यहाँ पे उर्वी भी नाइस ब्लू नाइस वेरी गुड 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 एक नंबर क्या फायदा है यहाँ पर यहाँ पर आप नाराज हो गए उर्वी जी नाराज है क्या रुकिए तो सही नमस्ते हम अभी देख लेंगे ट्रेलर पक्का देख लेंगे कैसे आप लोग सही है क्या क्वेश्चन है आकृति कहाँ है वो क्वेश्चन है अभी आकृति काम में थोड़ा बिजी है शायद वो आएगी अगर काम खत्म होता है लेकिन मैं भी थोड़ा 10-15 मिनट के लिए आया हूँ काम मेरा भी है लेकिन देखिए जितना प्यार से बुलाया ना सोचा कि आके मिल लूँगा कंग्रेचुलेट कर लूँगा अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा ना शो जीते हैं तो सोचा कि थोड़ा सा तो बहुत अच्छा खेला दिग्विजय ने जनता का प्यार कमाया है इसने और आई थिंक दिग्विजय आकृति और हम शो की थोड़ा है, सोचा कि आज आगे विश कर लेते हैं बस ऐसा नहीं कि राइवलरी चल रहा था कॉम्पिटिटर है लेकिन हमेशा वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है सो आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज फियर्स कॉम्पिटिटर ही सीन मी एज अ कॉम्पिटिटर और खास हम फिनाले में कम्पीट कर सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और फिर हम देख सकते हैं कि कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मर है और डिजर्विंग विनर है मे बी इट्स फॉर अनदर रियलिटी शो हू नोस विनिंग पार्टी हमने स्क्रीनिंग होस्ट किया था विनर्स के लिए और पार्टी तो हमेशा होता है लेकिन मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगा एक दिन फॉर श्योर हम सब खूब बात करेंगे यार देख ये गेम शो है तो ऐसे ट्विस्ट आते हैं कहीं ना कहीं आई वुड से कि इफ दिग्विजय स्टक टू हिज पार्टनर उन्नति फ्रॉम द बिगिनिंग बेटर होगा लेकिन कशिश भी उसके हिसाब से ठीक किया बट एक गलती किया कि उसने वो मिडिल क्लास एक्सक्यूज यूज़ किया तो इसीलिए बहुत हेट मिल रहा है अगर गर्व से बोलते हैं कि मैं गेम खेला था मुझे नहीं लगा कि जशवंत आकृति से जीत सकता हूँ या फिर हर्ष और विशाल करके जीत सकता हूँ तो फिर वो सही है लेकिन वो एक्सक्यूज जो मिडिल क्लास वाला है ना वो लोगों ने बहुत देखा है और वो एक्सक्यूज कुछ सेंस में ही नहीं था यार मुझे सलमान भाई तो मिलना है एक बार फॉर श्योर उसका जो ऑरा है मुझे वो एक्सपीरियंस करना है उसके साथ बात करना है शायद एक मूवी में मिलूंगा वरना बिग बॉस में मिलूंगा क्या बता लेट्स सी हाउ द लाइफ गोस चलो मुझे भी मजा आया थैंक यू लव यू ठीक है बाय 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 दिग्विजय की सक्सेस पार्टी दिग्विजय को यही बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है इतना लवर सपोर्ट उसे मिल रहा है जो उसे मिलना भी चाहिए था वो डिजर्व भी करता था और आई होप आगे भी मिलता रहेगा अच्छा बंदा है जेन्युइन है ऐसी लाइफ में करते रहेगा तो बहुत आगे जाएगा और आगे जा भी रहा है बस यही बोलना चाहूंगा अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ उसके लिए और आगे अगर वो बिग बॉस में दिखाई देता है तो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा थैंक यू माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई एम गोना ट्राई फॉर रोडीज आई थिंक और शायद किसी वेब सीरीज में भी मैं देखा जा सकता हूँ इंसान कुछ भी करे उसके लिए सही नहीं है कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती कि उसको कोई रेप थ्रेट्स दे क्योंकि ये हमारा देश इंडिपेंडेंट बन चुका है और आज की डेट में जैसे निर्भया टाइप का एक और केस कोलकाता में देखा गया है आई डोंट थिंक कि रेप थ्रेट्स जैसी चीज़ें होनी चाहिए आज के टाइम में सब पढ़े लिखे हैं देश बहुत आगे बढ़ चुका है और ये बहुत ही गलत चीज़ है आपकी बहन भी आपके घर में भी मम्मी है सबकी
तो मैन आपको भी अच्छा लगेगा और आपके घर वालों को भी रेप थ्रेट्स आएंगे। तो यार कोई इंसान इतना गलत नहीं होता कि कोई आपको रेप थ्रेट्स भेजे। तो यही बोलना चाहूँगा कि यार जैसी भी लड़की जो भी है उसको आपको अगर लग रहा है वो गलत है आप उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जो उसने किया गलत, लेकिन रेप थ्रेट्स किसी को देना बहुत ही गलत है और मुझे मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। थैंक यू। भाई देखो मुझे ऐसे लगता है कि जब अपने दोस्त आगे बढ़ते हैं लाइफ में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना। एंड डेफिनेटली मैंने दिग्विजय का करियर देखा है, इन दो सालों में काफ़ी पीक पे गया है और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। स्पेशली मेरी दिग्विजय और लक्ष्य की जो जोड़ मतलब जोड़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, जोड़ी इन दोनों की है, बाकी मैं इनके कबाब में हड्डी की तरह हूँ। तो बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने कॉलोनी के लौंडों को और दिग्विजय सचिन और लक्ष्य को। एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं चाहता हूँ ऐसी पार्टीज वो हर दिन सेलिब्रेट करें, हर दिन मनाएं और बहुत तरक्की करें लाइफ। यार देखो मुझे ऐसे लगता है कि एक शो पे लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब होता है। अगर आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको चीजों से फॉरगिव करना पड़ता है गाइस, बी अ बिगर पर्सन। अगर कशिश आई है तो आई एम रियली हैप्पी गाइस। गाइस देखो मैं डेफिनेटली नहीं सपोर्ट करूंगा कि कोई अपने सपनों के पीछे पैसा चूज करे। अगर मैं होता तो शायद मैं भी फिनाले चूज करता, बट देखो हर किसी की चॉइस है। क्योंकि कशिश भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको कभी डिफेम नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसके फेवर में ना बोलूँ, उसकी जो मजबूरियाँ हैं, जो चीज़ें उसकी रही है लाइफ में, उसकी वजह से जो भी स्टेप लिया वो उसके लिए ठीक है। सही गलत सिर्फ नजरिया आप कैसे देखना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। उड़ती हुई तो मुझे भी आ रही है, अब उड़ती हुई खबर जल्दी सच हो जाए इतनी दुआ करो बस तुम लोग। तो अभी थैंक यू सो मच जी। हैप्पी गाइस, कैसे यार? मैं ही बोलूंगा दिग्विजय की सक्सेस में मुझे पर्सनल सक्सेस फील होती है, क्योंकि भाई है मेरा और ये मुझे लगता है हम सबकी सक्सेस है। इस पार्टी को हम लोग दिग्विजय की सक्सेस बोल रहे हैं, हम वो एक ही लोग हैं, दिग्विजय हो चाहे मैं हूँ चाहे सचिन है उन्नति, हम सबको एक ही फील होता है। जो चाहे में से कोई भी आगे जा रहा है तो सब आगे जा रहे हैं, तो मज़ा आता है। सीन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे में भाईचारा हम लोग दिखाते नहीं है, बट हमारे में भाईचारा है जो स्टार्टिंग से ही होता है। हम लोगों ने आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम एज अ फ्रेंड, भाई फील होता है, तो वो भाई ऐसा लगता है कि यार हाँ जो है तेरा है मेरा है, सेम सीन है।
प्यार ऐसा होता था ना कि स्टार्टिंग से मैं वो कभी ऐसा होता था कनेक्शन को दिखा रहा, लोग कहते थे, लोग लड़ते थे मुझसे, नहीं नहीं वो ये देख कनेक्शन को चूज कर रहा है तो ये चूज नहीं कर रहा, बट मैं कहता था भाई कोई नहीं यार ये अंडरस्टैंडिंग है, उसकी स्माइल से लोग जलते थे, मैं उसकी स्माइल से समझ जाता था करना क्या है। यार मैं ये कहूँगा कि यूथ जो कर रहा है ना, इट इज अभी यूनाइट होने का बहुत बहुत बड़ा रीजन है हमारे पास। अगर आज हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो आई गेस वो चीज़ें आगे भी फॉरवर्ड होंगी, जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। और आई गेस हर एक इंसान को अपना एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, छोटे से छोटा बंदा जो जितनी हेल्प कर सकता है, लोग इंकरेज कर सकता है, लोगों को समझाना, एड्रेस करना इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस हम लोग सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, हम लोगों का मेन काम ही है कि इस समय लोगों को इन्फ्लुएंस करके हम लोग समझा पाएँ, हमारी पावर का यूज़ कर पाएँ, ताकि लोग समझे कि ये सब चीज़ें बहुत बेकार हैं। यार मैं कहता हूँ जो कशिश को रेट थ्रेड दे रहे हैं, ऑनेस्टली इफ यू थिंक दैट यू आर, आप हमारे दोस्त हो या आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो आप झूठ कह रहे हो और सिर्फ आप अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हो, और आपसे गंदा इंसान कोई है नहीं। और आप किसी लड़की को रेप थ्रेट दे रहे हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली कशिश, कशिश को तो दे ही रहे हो और किसी को भी दे रहे हो, तो आपसे गंदा इंसान है नहीं। पांच मतलब 10 उंगलियां दिए से कहीं अच्छे से नहीं यूज करो, बेटर देन दिस इज टाइपिंग ऑल दीज थिंग्स। और इनके पता रियलिटी में ही होता है, ये लोग लिख देते हैं, इनके बस ही कुछ नहीं है। अगर रियल लाइफ में कुछ करोगे तो बड़े बनो आगे, सब लिख के कुछ फायदा नहीं है। यार उड़ती उड़ती खबर वही कह रहे हैं, सबकी तरफ से आ रही है, बट ऑनेस्टली कुछ चीजें हैं जो अभी रिवील नहीं करी जा सकती, अगर कुछ होगा तो पक्का रिवील करें। किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज यार, नेक्स्ट। हम तो हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। आप वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिग्विजय, इज इट ओके नाउ? सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिग्विजय सक्सेस। कहाँ दिखो दिखो दिग्विजय को लगेगा सिलाई कर सारे। सो भाई के लिए बहुत खुश है यार। एक्चुअली स्प्लिट्सविल अगर सक्सेस पार्टी में भी हम लोग नहीं आ पाए किसी रीजन के वजह से, बट दिग्विजय ने बुला लिया वापस और हम दोनों इसलिए साथ पे आ गए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो गई थी स्प्लिट्सविल में भी। अभी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, एंड दोस्त के सक्सेस मीन्स वो इक्वली हमारा भी एक सक्सेस जैसा लगता है हमें, सो इक्वली इंजॉइंग इज सक्सेस टुगेदर। और यानी चलो भाई मतलब इट्स अ गुड फीलिंग कि यार भले ही जो भी हुआ एंड में, आई फील लाइक जो भी हुआ एंड में वो सब साइड में रखते हुए, आई फील लाइक ही प्लेड द ओवरऑल गेम रियली वेल। एंड मतलब मैं तो भाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आई विल फेस द मीडिया। मैं तो भाई अपने दोस्त के लिए आया, उसने कॉल किया, उसने बोला आ जा भाई,
क्योंकि भले ही कितने भी झगड़े हो रहे हैं, सब दोस्त कैसे भी है भाई, मेरी तो पर्सनली कभी किसी से प्रॉब्लम रही नहीं है, स्पेशली दिग्विजय से तो बिल्कुल नहीं रही है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम मैन, आई एम हैप्पी फॉर हिम। यार आई फील लाइक कि जो भी डिसीजन कशिश ने लिया था वो अपने लिए लिया था, राइट? तो हम लोग कोई होते नहीं उसको जज करने वाले। बुरी बात यही है कि यार उसने किसी और की अपॉर्चुनिटी छीन ली, दिग्विजय उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हाँ गुस्सा होना बनता है, बट थ्रेट्स और हेट देना तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट। मतलब होता है कभी कभी ऑडियंस को पसंद नहीं आता अगर मैं उसके फेवरेट स्प्लिट विलन के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, बट सबको पता है कि मैं पर्सनली, मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग पर्सनली काफ़ी हंसी मजाक में ही लेते हैं, तो आई फील लाइक हाँ थोड़ा ऑडियंस धीरे धीरे समझ रही है कि हाँ हंसी मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।